हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है, उसके अधीन जितने भी नए कॉलेजेस हैं उनमें कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं कोई पॉइंट स्किप ना करें। फ्रेंड्स, इन सभी की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2020 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐ है वो है कि बैकलॉग रिक्तियों हेतु, यहाँ पे पदनाम है, वेतन मैट्रिक्स लेवल है, बैकलॉग हेतु श्रेणीवार आरक्षित पद है, वो कुल वैकेंसी। यहाँ पे प्रयोगशाला तकनीशियन जो कि पे लेवल 7 रहेगा, उसके अंदर एक वैकेंसी है जो कि अनुसूचित जनजाति की है। सहायक वर्ग 3 में पे लेवल 4 रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए 5 वैकेंसी है, जनजाति के लिए 7 हैं, टोटल 12 वैकेंसी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला अभ्यर्थी हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा। आगे बात करें तो सामान्य सिद्धि भर्ती हेतु प्रयोगशाला तकनीशियन में पे लेवल जो 7 रहेगा उसमें टोटल 11 वैकेंसी है। अनारक्षित के लिए 5 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं। नेक्स्ट है प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी 2, पे लेवल 6 रहेगा। अनारक्षित के लिए 5 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, जनजाति के लिए 4 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं, टोटल 12 हैं। सेम लेडीज़ के लिए 30% आरक्षण रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc न्यूनतम 55% अंकों के साथ होने चाहिए, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिक उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र मान्यता छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन एवं मंत्रालय द्वारा जारी, मैं इसके लिए कंप्यूटर भी ज़रूरी है, तो वो भी है, तो वो भी इसके अंदर होना चाहिए, 1 साल तक का कोर्स हो। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। अधिक जानकारी के लिए आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ, www.igau.edu पर उपलब्ध है। और जो कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो igkvmis.cg.nic.in के माध्यम से जो भी परीक्षा आवेदन शुल्क रहेगा उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 22 मई 2020 से फॉर्म भरे जाएंगे। और इनकी जो फीस की हम बात करें तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये फीस रहेगी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये फीस रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं इंटरेस्टेड हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ एक शर्तें हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट जानकारी अबाउट द इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके और शेयर करके ज़रूर बताएं। और हाँ, भविष्य में भी आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और साल 2020 के अंदर आने वाली नई नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।